हो गई साहबजादे से बात? अरे क्या खाक बात हुई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, शायद कोई सिग्नल के इश्यूज थे, बात ही नहीं हो पाई, अल्लाह जाने क्या मुसीबत है। दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, आप पर कोई पाबंदी तो है नहीं। कर रही हूं ना, साहबजादे ने अपना फोन ऑफ कर दिया है। अच्छा, बच्चा होशियार हो गया। हाँ तो दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। वैसे बेगम, ये हमजा से पूछे बगैर उसके रिश्ते की बात कुछ मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? मेरा मतलब, जवान लड़का है, कोई गाय बैल तो है नहीं। आपने उससे राय लिए बगैर ही अपने भाई से बात कर ली रिश्ते की डायरेक्ट? माँ हूं उसकी, उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। भाई आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले, शादी के फैसले खुद करना चाहते हैं। और वो जो अपनी मर्जी की शादी करने के बाद के नताइज भुगतने पड़ते हैं ना, वो मैं कम से कम कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहती। आ बेगम, अब रिस्क तो दोनों तरफ है। वो कहते हैं ना कि शादी एक जुआ है। अब हम ही को देख लें, खुशी खुशी ये जुआ हार दिया। क्या मतलब? हाँ नहीं, वो मतलब ये है कि इंसान शादी कर ले तो फिर निभाता तो है ही ना, हंसी खुशी। अरे यही वजह तो है, हमजा मेरी अकलौती औलाद है, मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा खुश रहे। उसकी शादी अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि मेरी भांजी से ज्यादा अच्छी लड़की उसके लिए कोई है ही नहीं। रुखसाना बेस्ट चॉइस है उसके लिए। जाहिर है आपके भाई की बेटी जो है। और अब इस बात का क्या मतलब है कुछ नहीं, शाहिद साहब, ये जो आपके अंदर का रंगीला बार बार सर उठाता है ना, बेहतर होगा कि उसका गला आप अपने हाथ से घोंट दे। नहीं जे मेरा मत्था कुम गया ना, तो फिर पता है तुहानू इत्थे रख। जी, देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता, हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।